हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 12 13 14 15 एंड 16। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यां तिशये नराधसां सधामनि ब्रह्मणि रास्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना भ्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं विधि स्वलक्षणा प्राधुरभूत् किलास्यत समेऋषीणां ऋषभ प्रसीदता। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय शेते यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृषीश्च भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं साम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामधीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती युक्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕಿ ಜಯ ದೂಸರ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 11 इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान नारायण के विषय में बताते हुए कहते हैं, तास्ववासित स्वश्रेष्ठासु सहस्र परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवा तास्ववासित स्वश्रेष्ठासु सहस्र परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवा तास्ववासित तासु मतलब उसमें अवासित का मतलब है रह रहे स्व मन अपनी सृष्टासु सृष्टि करने में सहस्रम 1000 परिवत्सरा यानी वर्ष तेन उस कारण से नारायण नाम यत यानी क्योंकि आप यानी जल में पुरुष उद्भवा यानी परम पुरुष भगवान से उद्भूत हुए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब 3 पुरुष अवतारों के विषय में बताया, कारण दक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु के विषय में बताने के बाद वे कहते हैं, तासवासित ससृष्टासु, परम पुरुष जो है वो निराकार नहीं है, वो पुरुष है, वो लास्ट में बताया पुरुषोद्भवा, तो वो निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष है, इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नारायण नार यानी नार कहलाता है। यानी कि भगवान ने जो जल उत्पन्न किया उसको नार कहते हैं, और चूंकि वे इसी जल में शयन करते हैं इसलिए उन्हें नार आयन कहते हैं, यानी उसी जल में शयन करने वाले नारायण निराकार नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने अंदर से दिव्य जल प्रकट किया और उस जल में वो शयन करते हैं, इसलिए उनको तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवा। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि संसार में जो कोई भी वस्तुएं हैं वो भगवान की कृपा भगवान की अनुकंपा पर उसके कारण ही विद्यमान है, और यदि भगवान से उपेक्षित हो जाए तो किसी वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यद् उपेक्षया। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यद् उपेक्षया। द्रव्य कर्म च कालश्च, द्रव्य मतलब भौतिक तत्व जो कुछ भी संसार में है वो, कर्म न कार्य जो हम करते हैं, च काल यानी समय, च स्वभाव स्वभाव यानी जीव जीव आत्माओं का जो स्वभाव है, एव च एव मना निश्चय ही च यत अनुग्रहात, यत मना जिनके अनुग्रहता मतलब अनुग्रह से संति स्थित है, न संति स्थित नहीं स्थित है यत उपेक्षया उपेक्षा से। अनुवाद देखिए, मनुष्य को यह बलिबांधि समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व यानी द्रव्य कर्म यानी कर्म तथा कालश्य काल तथा गुण जो कुछ भी है स्वभाव और इन सब को भोगने वाली जीव आत्माएं स्वभावो जीव एव ही भगवत कृपा से ही विद्यमान है, उनके द्वारा उपेक्षा होते ही सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद की।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीव आत्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों काल गुण आदि की भोगता हैं। भगवान परम भोगता हैं और जीव आत्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि जीव आत्माएं संसार में प्रभुत्व जताना चाहती हैं, भोग करना चाहती हैं, इसीलिए जीव आत्माएं जो हैं, वो ये सब उसकी आदि भोगता है, यानी कि शुरू में वो भौतिक जगत की भोगता बनना चाहती है, तो भोगता है, प्रभुत्व जताना चाहती है। लेकिन फिर भी ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है वो परम भोगता है और जीव आत्माएं परम पुरुष भगवान क्योंकि परम भोगता है, तो जीव आत्मा उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीव आत्मा भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं। अब देखो, भोग में भोक्ता एवं भोग्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं और दोनों ही आनंद भी लेते हैं, लेकिन जीव आत्माएं भोग्य हैं और भगवान भोक्ता हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि माया से वशीभूत होकर जीव आत्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इसके निमित्त नहीं हैं। वो इसके निमित्त नहीं, मतलब जीव आत्मा भोग भोग कर आनंदित हो नहीं सकती, क्योंकि वो भोग्य है, तो वो तभी आनंदित हो सकती है जब भगवान उन्हें भोगेंगे। अब आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में जीवों अर्थात जीव आत्माओं को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। विश्व पुराण में भी ऐसे ही उल्लेख है। अतः जीव आत्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती हैं, अतः इस संसार में जीव आत्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा ही जुटी है। आध्यात्मिक जगत में जीव आत्माएं शुद्ध होती हैं, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती हैं। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीव आत्मा के सुख भोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि वे भगवान से तदाकार हों। यह माया का आखिरी जाल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीव आत्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होती है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाती है। भगवान भवबंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, कुछ काल तक पालते हैं, अपनी गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, और तब अपनी ही इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। अतः जीव आत्माएं भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती हैं और इसलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुखोपभोग को मिट्टी में मिला देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर जैसे पहले श्लोक में बताया गया कि तास्ववात्सीत स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सराम, कि भगवान उस जल में जो कारण दर्शाए विष्णु के शरीर से जल निकलता है, उसमें गर्भोदशाय के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं। का कितना टाइम तक? सहस्र परिवर्तन, सहस्र परिवर्तन यानी कि 1000 वर्ष तक, वो जो दिव्य ईयर्स है, 1000 वर्ष तक भगवान वहां पर रहते हैं और क्या करते हैं वहां पर, संसार को उत्पन्न करने के लिए। स्वर्ग तो हो गया, अब विसर्ग करवाते हैं, अपनी नाभि से पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी समस्त जीवों को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार एक शरीर प्रदान करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको एक भाग्य भी प्रदान करते हैं। और फिर ये सब जो कुछ भी है,
संसार में जो दिख रहा है तत्व कर्म काल गुण ये और जीव आत्मा ये सब क्यों है, क्योंकि भगवान की कृपा से उनको वापिस से जीव आत्माओं को सेकेंड चांस मिलता है कि वो यहाँ इस भौतिक जगत में आए भगवान की सेवा करके अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचाने कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है और गुरु साधु और शास्त्र से संपर्क करके अपने वास्तविक अस्तित्व को जाने और फिर प्योरिटी के साथ भोक्ता ना बनकर भगवान की सेवा जब वो करेगा तो क्या होगा, तो जब भगवत कृपा से उसे ये ज्ञान होगा कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, फिर माया अंतिम जाल शब्दों पर बताए अंतिम जाल माया क्या डालती है कि तुम भोक्ता नहीं हो लेकिन तुम भगवान बन सकते हो, ये भौतिक जगत में तो तुम्हें कोई आनंद आने वाला नहीं, अब ऐसे करो कि तुम भगवान के अंदर ही समा जाओ, तो ये माया जो है उसके कान भरती रहती है कि तुमको क्या बनना है, तुमको ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान बनना है, लेकिन यदि उसके बाद भी किसी शुद्ध वैष्णव का उसको संग मिल जाए तो फिर क्या होगा कि उससे ये रियलाइज होगा कि नहीं मैं भगवान बनने के लिए नहीं हूँ, मैं दास बनने के लिए हूँ, और ये जब उसको पता चल जाता है तब क्या होता है, तब वो माया के अंतिम जाल को भी काट लेता है और भगवत कृपा से जब ये अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीव आत्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है, यानी वास्तव में वो क्या है, भगवान के ही दास है, भगवान के ही भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की गोलोक की वासिनी है, तो सारी जीव आत्मा को वास्तविक मुक्ति मिल जाती है। और भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि इसीलिए करते हैं कि जीव जो है भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम तक प्राप्त हो, और जब तब अपनी ही भगवान क्या करते हैं उन जीवों पर अनुकंपा करते हैं जो कि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और फिर लेकिन फिर भी जो लोग को अभी तक अक्ल नहीं आई है वो अभी तक भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं कि जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुखोपभोग की को मिट्टी में मिला देते हैं, फिर सारे जो भी उनकी इन्वेंशंस होती हैं, जो भी उनकी एडवांस किया होता है उन्होंने संसार सुख प्राप्त करने के लिए सबको मिट्टी में मिलाकर फिर प्रलय कर देते हैं और फिर सारी जीव आत्मा सुषुप्त अवस्था में पुनः भगवान के पास कारण दक्षाई सॉरी गर्भ दक्षाई विष्णु के अंदर ही चली जाती है, कारण दक्षाई विष्णु के अंदर चली जाती है और फिर दोबारा भगवान की जब इच्छा होती है तब वापस से सृष्टि होती है। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी बताते हैं एको नानात्वमन्विच्छन् योगकल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजित्रिधाम् एको नानात्वमन्विच्छन् योगकल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजित् त्रिधा। शब्दात् एको नानावत्वम्, एको यानी अकेला वह जो नारायण है, नानात्वम् यानी अनेक, अन्विच्छन् ऐसी इच्छा से, योगकल्पात् योग निद्रा की शैया से, समुत्थितः उत्पन्न, वीर्यम यानी वीर्य, हिरण्यमयम यानी सुनहले रंग का, देव देवता, मायया यानी माया से, व्यसृजितः रचना की त्रिधा तीन भागों में। अनुवाद, योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। अब किस तरह से संसार उत्पन्न कर रहे हैं भगवान, इच्छा करते हैं कि मैं अकेला हूँ, एक हो, यानी कि भगवान जब एक होते हैं तब नानात्वमन विच्छन उनकी इच्छा होती है
कि मुझ एक में से अनेक बन जाएं। और फिर वो क्या करते हैं, फिर योग निद्रा में, योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एक आखी रूप में से नाना प्रकार की जीव आत्मा को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहले रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न करते हैं। उसको श्रील प्रभुपाद जी सुंदर रीति समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9.7 और 8 में भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामविष्टाभ्यं विसृज्यामि पुनः पुनः भूतरामम् कृष्णम् अवशम् प्रकृतेर्वशात्। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्ष रत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर मैं फिर से उन्हें प्रकट करने की सारी मेरी इच्छा करने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है या मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति यानी महासमष्टि के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने को बहुमुखी पूर्ण शक्ति यानी समष्टि में विस्तारित करते हैं। फिर वे इसे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत होता है। अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निमित्त खेल हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी सृष्टि की रचना भगवान किस तरह से करते हैं, एक में से किस तरह से अनेक होते हैं, उसको बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। जैसे भगवान ने क्या कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, ये जितनी भी जीव हैं वो मेरी दिव्य प्रकृति है और मैं क्या करता हूँ, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि, हम कल्प का प्रारंभ होता है तो मैं इन सब जीव आत्माओं को संसार में प्रकट करता हूँ, कल्पादौ विसृजामि, और जब कल्प का अंत होता है तो ये सब जितने भी जीव आत्माएं उनका विसृजन हो जाता है, विसृजामि हम, और प्रकृतिम समाविष्टम विसृजामि पुनः पुनः, संसार में बारंबार प्रकट और विसृजन होता रहता है। और भगवान कहते हैं भूत ग्राम कृष्ण प्रकृते अवश्यम प्रकृतिर वशात, मेरी इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है और इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी शक्ति के रूप में अकेले विराजमान होते हैं, विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से बहुमुखी शक्ति भगवान की है वो उसके द्वारा विस्तारित करते हैं। फिर वे इसी में क्या पैदा करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक जो पुरुष होते हैं उनको प्रकट करते हैं और इस तरह से इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न है, वो एक ही भगवान से उत्पन्न होता है। संसार का प्रत्येक कण भगवान की शक्ति है परंतु भगवान से भिन्न अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। अभिन्न है क्यों, क्योंकि भगवान से ही प्रकट हुआ, और भिन्न है क्यों, क्योंकि उसके अलग गुण हैं, उसके गुण तो सेम होते, क्वालिटी सेम होती है परंतु क्वांटिटी कम होती है, तो उनकी इच्छाओं के अनुसार वो कार्य करता है और उसको अलग अलग सोचने की
कार्य करने की कर्म गुण उसको अलग अलग मिलते हैं। अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी वास्तव विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निमित्त खेल खेल हैं। अतः वे भगवान से भिन्न भी हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीव आत्मा भी भगवान की ऐसी शक्ति यानी तटस्थ शक्ति है, अतः वे एक ही समय भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। यानी भगवान की ही शक्ति है लेकिन भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न है, मतलब उसका एक अलग अस्तित्व है। आगे श्री प्रभुपाद जी इस बात को और अच्छे से समझा रहे हैं कि अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती हैं। सामर्थ्य मुक्त मतलब भगवान के अंदर ही रहती है लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, वो बिल्कुल सोई हुई होती हैं, उनके अंदर कोई चेष्टा नहीं होती, कोई सामर्थ्यता नहीं होती है। और जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। और जब जगत में निर्बंध मतलब फिर वापस से जगत भगवान जब उत्पन्न करते हैं तो प्रकृति के गुणों के अधीन होना पड़ता है। प्रत्येक जीव आत्मा प्रकृति के गुणों के अधीन है और विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप जैसे जैसे इच्छा होती है उसके अनुरूप गुण उस पर अटैक करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। जीव आत्माएं जीवित शक्तियों के ऐसे असामान्य प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक है, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीव आत्माएं अभद्र रूप में शरणागत हो चुके होते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि जीव जितने भी जीव तटस्थ शक्तियां हैं जब संसार में आती हैं तो गुणों के अधीन होती है ना, जैसे गुण होते हैं उनके अंडर में उनको कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार का से प्रदर्शन करती है। अगर उनकी इच्छाएं प्योर हो जाएंगी, हमारे ऊपर भले अभी रजोगुण का प्रभाव हो रहा हो, काम इच्छा उत्पन्न हो रही हो, लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं को प्योर कर देंगे, मतलब हम रजोगुण को दबाकर सत्वगुण में कार्य करने की इच्छा प्रकट कर देंगे कि नहीं मुझे इंद्रिय भोग के विषय में नहीं सोचना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, या कोई प्योर कार्य करने की यदि इच्छा करेंगे ना तो वो रजोगुण दब जाएगा और फिर सत्वगुण प्रकट होगा। लेकिन यदि सत्वगुण है मतलब हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और उस समय भी जब हम उसको हृदय से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उस समय यदि हम आलस्य प्रकट करेंगे, इच्छा होगी कि यार छोड़ो ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम सो जाते हैं, तो फिर वो तमोगुण अटैक कर देगा। तो ये गुण जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मतलब इस ताक में होते हैं कि कैसे वो जीव आत्मा के ऊपर अटैक करें। लेकिन जीव आत्मा जिस भी शरीर में है भले, लेकिन यदि वो उन गुणों को दबाने के लिए इच्छा को पवित्र कर देती कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, तो जब इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी तो फिर गुण भी पवित्र हो जाएगा यानी शुद्ध सत्व में हो आएगा। और इच्छा प्रकट कैसे होगी, जब वो अच्छे लोगों के साथ उनका संपर्क होगा, यानी जैसे जैसे लोगों के साथ संगति होगी वैसे वैसे ही वो इच्छाएं करेगा। अगर वो कामी पुरुषों की या लोभी पुरुषों की संगति करेगा तो उसकी इच्छाएं भी ऐसी होती जाएंगी, लेकिन यदि वो प्योर भक्तों की संगति करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इच्छाएं भी प्योर होती जाएंगी। और दूसरा वो क्या खाता है, यदि वो इसी तरह के सांसारिक पदार्थों का भोग करता है, मार्केट में बिकने वाले ना जाने किस तरह से उन वस्तुओं को बनाते हैं, क्या उनकी चेतना होती है, वो ऐसी वस्तुओं को भोग यदि करेगा तो फिर उसकी चेतना दूषित हो जाएगी, मतलब जैसा आहार वैसे विचार आएंगे और जैसे विचार होंगे वैसी इच्छा करेंगे। तो हमें अपने खान पान पर, हमें अपने संगति जो हम जिनके साथ हम रहते हैं उन मित्रों की संगति को, इन दोनों को बहुत वॉच आउट करना है। जहां पर ये दोनों दूषित हो जाएंगे यानी हमारा आहार दूषित हो जाएगा
और हमारी संगति दूषित हो जाएगी, वहीं हमारे विचार दूषित हो जाएंगे, और जैसे ही हमारे विचार दूषित हो जाएंगे वैसे हमारी इच्छाएं दूषित हो जाएंगी, और यदि इच्छा दूषित हो जाएगी तो हमारे कर्म जो है वो खराब हो जाएंगे, और जो गुण है वो हम पर जो निकृष्ट गुण है तमोगुण और रजोगुण वो हावी हो जाएंगे, और फिर हम कभी भी शुद्ध सत्व में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए सोच नहीं सकेंगे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें ये बात समझा रहे हैं कि लेकिन अपनी सनातन प्राकृत्य में मुक्त जीव आत्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, जो उनका रियल सनातन क्या है कि वो भगवान के दास के स्वरूप में होते हैं, अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। जब वो अपने सनातन प्राकृत्य को जान लेते हैं, जब वो जान लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो वो सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं होते। इस तरह योग निद्रा में अपनी शैया पे लेटे हुए भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है, और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते हैं और विनष्ट होते रहते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम आज पैदा हुए हैं, इस घर में रहते हैं, ये मेरे माता पिता हैं, यही मेरी रियलिटी है। ये रियलिटी नहीं है, ये तो एक पार्ट है, ये तो एक एपिसोड है जो हमें यहाँ पर इस जीवन में इस जन्म में गुजारना है। बस उसको प्योरिटी से के साथ करके हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो ये बारंबार होता रहता है, बारंबार जितने भी जीव आत्मा होते हैं जब वो प्रलय होता है तो वो भगवान के ही अंदर जो है वो सामर्थ्य, भगवान के भीतर सामर्थ्य मुक्त रहित होकर वहाँ पर रहते हैं, और जब भगवान दोबारा से सृष्टि की रचना करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदशाएं उत्पन्न होते हैं, गर्भोदशाएं के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी सारे जीवों की पुनः सृष्टि करते हैं, उनके गुणों और कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है, और फिर वो जितनी भी जीव आत्माएं वो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं, और इस तरह से चलता रहता है। तो हम ना जाने कितनी बार, मतलब उसकी कोई गणना भी नहीं है कि कितनी बार मनुष्य बने होंगे, कितनी बार हम लोग पशु बने होंगे, कितनी बार कीड़े बने होंगे, कितनी बार कॉकरोच कली मच्छर बने होंगे। हो सकता है कभी कभी हम नरक में भी गए होंगे, और हो सकता है कभी कभी हम स्वर्ग में देवता भी बने होंगे, लेकिन जब तक हृदय के अंदर ये एकमात्र इच्छा नहीं है जाती कि अब मुझे इस जन्म में कुछ और प्राप्त नहीं करना है, केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना है, भगवान को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूटना, जब तक ये इच्छा नहीं होगी तब तक ये सर्कल चलता रहेगा। भगवान को थोड़ा ना मुश्किल लगता है, भगवान तो सोए हुए होते ना, वो तो आराम से लेटे हुए होते हैं, उनको थोड़ी ना कोई ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी। जिनकी वक्र त्रुटि ब्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, वो तो केवल एक ब्रकुटी हिलाते हैं माया और संसार का प्रलय हो जाता है, वो तो केवल इच्छा करते हैं तो संसार का सृजन होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उस जीव आत्मा को है जो जन्म जन्मांतर से भटक रही है, और वो किसी और की नहीं, हमारी अपनी आत्मा है। इसलिए और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि आत्मा, हम संसार में दुखी होते हैं और दुखी होने के लिए हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। जीव जब से जन्म लेता है, सिर्फ एक ही चेष्टा करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और सुखी होने के लिए वो क्या करता है, हर वो मुमकिन कोशिश करता है जो कि वो कर सकता है, है ना। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो सुखी करता किसी और को है और समझता है कि वो खुद को कर रहा है, क्योंकि भगवान ने कह दिया ये शरीर जो है वो एक वस्त्र की तरह है, है ना। और वस्त्र जो है वो तो वास्तव में प्राणी नहीं होता ना, जैसे अगर किसी को है ना एक बहुत बड़ा फोड़ा निकलता है, दाना निकलता है उसके शरीर पर, और उसको बाहर से दिख रहा होता है, और वो क्या करता है उस दाने के ऊपर मरहम लगाने की बदले में अपने वस्त्र के ऊपर रोजाना ऑइंटमेंट लगाता है, क्रीम लगाता है, वो
रोज उसको लगाता है लगाता है, लेकिन कपड़े को यदि वो लगा रहा है तो क्या उसका दाना ठीक होगा? नहीं होगा ना, उसको उसके दाने के ऊपर ट्यूब लगाना होगा, क्रीम लगाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी आत्मा दुखी है, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की भक्ति करने जाए। लेकिन हम इस शरीर को अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं और सोचते हैं, दिल से यही सोचते हैं कि इसी में मजा आएगा, और यही सोचते सोचते जीवन गुजर जाता है, न सुख मिलता है न मजा आता है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दोबारा से वापस आना पड़ता है। तो बुद्धि मानता यही है कि ये जो हम गलत तरीके से सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं उसको समाप्त करें और अपने वास्तविकता को समझकर भगवान की सेवा करें। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तीन जो आदि देव, आदि भूत और आध्यात्मिक पुरुष हैं, उसके विषय में आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। वे कहते हैं, आदि देवम अथाध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभु अथ एकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा विद्यत तत्शृणु। आदिदैवम अथाध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभु अथ एकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा विद्यत तत्शृणु। शब्दार्थ, आदिदैवम मतलब नियंत्रित जीव, आदिदेव जो नियंत्रित नियंत्रक है, और अथ अब आध्यात्मम यानी नियंत्रित, और अधिभूत यानी भौतिक शरीर, इति इस प्रकार प्रभु यानी भगवान, अथ इस प्रकार एकम केवल एक, अथ एकम पौरुषम वीर्यम, पौरुषम मतलब पुरुष की यानी भगवान की, वीर्यम मतलब शक्ति, त्रिधा विद्यत तत्शृणु, त्रिधा यानी तीन भागों में, अविद्यत विभक्त हुई, तत्शृणु उसको सुनो। अनुवाद देखिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार से आदिदैव आध्यात्मिक तथा आदिभूतक नामिक तीन विभागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अब इन तीन शक्तियों के विषय में, यानी एक तो नियंत्रित है, दूसरा नियंत्रक है, और दूसरा अधिभूत यानी ये भौतिक शरीर है, उनको किस तरह से भगवान इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं वो बताएंगे अभी यहाँ सुखदेव गोस्वामी। ये कहते हैं, अंतः शरीर आकाशात पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसो। अंतः शरीर आकाशात पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसो। अंतः शरीर आकाशात, अंतः शरीर मतलब शरीर के भीतर, आकाशात मतलब आकाश से, पुरुषस्य महाविश्वों के, विचेष्टता यानी चेष्टा करते हुए, ओजह इंद्रिय बल, सह यानी मानसिक बल और बलम यानी शारीरिक बल, जज्ञे उत्पन्न किया, तत्पश्चात प्राण महानसु, प्राण मतलब प्राण या जीवन शक्ति, महान यानी प्रत्येक जीवन का उत्साह। अब बता रहे हैं कि महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं, इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति यानी प्राण का समग्र उत्स यानी स्रोत उत्पन्न होता है। जीव के अंदर जो शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां, इंद्रिय बल, हमारी इंद्रियों में शक्ति होती है देखने की, सुनने की, चलने की, बात करने की, और मानसिक बल यानी जो हमारी मानसिक चेष्टा होती है, सोचने की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति, और शारीरिक बल मतलब हमारे हाथों पैरों में जो शक्ति होती है। तो इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति यानी जो प्राण है, हम हृदय धड़कता है, सांस लेते हैं, उसका समग्र उत्स कहाँ से होता है, भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के भीतर से होता है। और उसके बाद
जब उन जीवों को जो जीव आत्माएं भगवान के शरीर के भीतर स्थित होती है ना, उनको जब भगवान शक्ति प्रदान करते हैं तो उनको सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और जैसे ही उनको शक्ति प्राप्त होती है तो वो अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, गतिशील हो जाते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, कार्य करते हैं। और जब भगवान अपनी उस शक्ति को पुनः खींच लेते हैं तो सारे जीव जो होते हैं वो वापस से क्रियाशीलता से रुक जाते हैं, मतलब वो फिर कार्य नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 16 देखिए, अनुप्राणन्ति यम प्राण प्राणन्ति प्राणन्तम् सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् विवानुगा। अनुप्रणन्ति यम प्राण प्राणन्तम् सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् विवानुगा। अनुप्राणन्ति यानी जीवित लक्षणों का अनुसरण करते हुए। अब भगवान के अंदर जो शक्ति है तो भगवान की शक्ति का ही वो अनुसरण करते हैं, जैसे राजा की शक्ति का अनुसरण सब अनुयायी करते हैं, तो जीव आत्मा भी भगवान के अनुसार कार्य कर। अनुप्रणन्ति यम जिसको प्राण यानी इंद्रियां, और प्रणंतिम यानी चेष्टावान सर्व जंतुषु समस्त जीवों में, भगवान के ही कारण सब जीवों में चेष्टा और कार्यशीलता उत्पन्न होती है। अपानंतम चेष्टा रोकने पर, जब भगवान उनको शक्ति प्रदान नहीं करते, अपानंति अन्य सभी रुक जाते हैं, फिर क्या होता है उनकी चेष्टा भी रुक जाती है। नरदेवम इवा नोगा, नरदेवम यानी राजा, इवा मना सदृश, अनुगा यानी अनुयायी होते हैं। अनुवाद देखिए, जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते यानी गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रियां क्रियाशीलता से रुक जाती हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यष्टि जीव आत्माएं परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर रहती हैं। जो भी हमारे पास शक्ति है, बोलने की, हिलने चलने की, काम करने की, सोचने की, इंद्रिय शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, जो कुछ भी है वो सब भगवान पर निर्भर है। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता। विद्युत बल्ब मतलब अगर आप अपने घर में कोई ट्यूबलाइट लगाते हो या बल्ब लगाते हो और ऐसे ही बस उसको लगा देते हो, उसका जो कनेक्शन है वो यदि आप मेन स्विच से नहीं जोड़ते हो, यदि कोई सीलिंग्स वगैरह नहीं करवाएगा, ऐसे ही डायरेक्ट से बल्ब लगा दोगे तो क्या वो जल सकेगा? नहीं, उसको तो पहले से कनेक्ट करना पड़ेगा ना बिजली के किसी पॉइंट के साथ। तो उसी तरह से जब जीव कोई भी होता है, यदि भगवान के साथ उसका कनेक्शन नहीं होता है तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादित के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है। जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर, और सूर्य सृष्टि पर निर्भर करता है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण है। अभी संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसको हम यूज करते हैं, वो भी केवल भगवान की ही शक्ति पर निर्भर। साइंटिस्ट तो बोलता है ना, देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने ये एयर कंडीशन बनाए, हम लोगों ने संसार में इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ये सब बनाया, लेकिन ये सब इलेक्ट्रिसिटी किस पर है ना निर्भर करती है? वो बिजली घर पर, यानी जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कैसी से, तो वहां पर ये उसके लिए, उस पर निर्भर करती है। लेकिन वहां की जो बिजली है वो कहाँ से आती है? वो जलाशय से आती है, और जलाशय वो जल से लेते हैं, और फिर जल कहाँ से आते हैं? बादलों से आते हैं। बादल कहाँ से आते हैं? सूर्य से
जब सूर्य तपता है तो बादल समुद्र का पानी को लेके जाते हैं और फिर और सूर्य कैसे कहाँ से आता है? सूर्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति किस पर निर्भर करती है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लकड़ी का फर्नीचर यूज करते हैं, अब लकड़ी का फर्नीचर कहाँ से आता है? लकड़ी कहाँ से आती है? वृक्षों से आते हैं। वृक्ष कहाँ से आते हैं? धरती से आते हैं। धरती कहाँ से आती है? धरती जो है वो भगवान नेचर है और भगवान ने कहा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये जितनी भी चीजें संसार में है, कोई भी वस्तु जिसको हम यूज करते हैं या जो यूज कर रहे हैं, मतलब यूज करने वाला और यूज होने वाला, प्रत्येक वस्तु का स्रोत भगवान है। वो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान की पवित्र नाम का जप करे, भगवान को प्रसन्न करे, क्योंकि वो भगवान का अधीन है। भगवान की कृपा ना हो तो जीव कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की भक्ति करना बहुत आवश्यक है। भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि भगवान हमारी चेष्टाओं से प्रसन्न होकर हमें इस दुखों भरी दुनिया से अपने धाम में ले जाए और हमें इस बद अवस्था से मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था प्रदान करें, ताकि हम वास्तविक आनंद का आस्वादन कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।